तो जी उसके गिफ्ट ये रखे हुए हैं, बहुत अच्छे लगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है और अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं कर रही हूँ बच्चों का जो है लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने डोसे का बैटर जो है रात भर, मतलब कल दिन में मैंने भिगोया था और रात को मैंने इसको पीस के रखा हुआ था और ये ऊपर एकदम ऊपर तक फ्लफी होके आ गया था, अच्छे से खम गया है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ इसकी इडली और उधर मैंने सांभर की कर रखी है तैयारी और इधर मैंने थोड़ा सा ये इमली है, इसको भी भिगो के रखा है गर्म पानी में, तब तक ही हो जाएगी। और अब मैं फटाफट बनाती हूँ बच्चों के लिए इडली और सांभर। तो जी इधर मैंने सांभर की जो है तैयारी कर ली है, ये ऑनियन और ये सब और ये पूरा मसाला और ये मेरा सांभर जो है मैंने ऐसे सॉल्ट डाल के कर लिया था और ये मसाला मैंने रेडी कर लिया है जो डेली मैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची और आज मैंने इसमें रेड चिल्ली भी की। मेरा पाउडर ख़त्म था तो मैंने साबुत मिर्ची को पीस लिया, जैसे गांव में पत्थर पे पीसते हैं वैसे मसाला। और इधर मेरी जो है बन रही है इडली, तो मैं अभी सांभर कर देती हूँ रेडी। तो जी ये देखिए मेरा सांभर का जो है मसाला हो गया है ऑलमोस्ट और तड़का जो है मैंने रेडी कर लिया है तरीके से। और अभी इसमें मैं डालूंगी ये सांभर मसाला, ये वाला सुहाना का है। तो जी मैंने इसमें जो है मसाला भी ऐड कर लिया और बड़ा ही अच्छा कलर आया है, ये देखिए आपका कलर भी बड़ा ही प्यारा आया है। ये देखिए पूरा ऑयल छोड़ दिया, मसाला मेरा रेडी है और इधर मैं जो है इडली भी बन के रेडी है वो भी निकालती हूँ और मैं इसमें डाल देती हूँ अभी सांभर जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई है। तो जी ये देखिए जो इमली मैंने भिगो के रखी थी वो इस तरीके से मैंने कर लिया आज, फटाफट हाथ से ही की है। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसका हाफ, क्योंकि मनीषा ने बहुत ज़्यादा भिगो दी थी। तो जी इधर देखिए हमारा जो है सांभर बन के रेडी हो गया है और टमाटो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े डाले हैं। और ये देखिए बच्चे थोड़ा सिंपल सा ही खाते हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। मैंने इसमें जो है तूर दाल और थोड़ा सा चना दाल मैंने कर दी, सांभर में तूर दाल ही होती है बट बच्चों के लिए मैंने टेस्ट आ जाए, बाकी का तड़का सारा वही है। और इमली वो जो मैंने भिगोई थी वो हाफ डाल दी है जैसे कि आप लोगों को दिखाया। इसमें इमली भी डलती है क्या? हाँ इमली भी डलती खट्टे के लिए ना। व्हाट इज दैट? ये बैटर है और ये इसका बैटर है, मैंने पहले इसमें था बड़े वाले में ना, फिर मैंने इसमें चेंज किया क्योंकि मेरा इडली मेकर का वो नीचे का बेस नहीं है, ओनली वो है साचा, तो मैंने उसमें रखे और इडली बनाई है अभी। ओके ये मैंने इस तरीके से इडली निकाल ली है और इनको 2 मिनट हम लोग बाहर रखेंगे तो ये इस तरीके से इजीली निकल जाएगी और बहुत ही फ्लफी है। मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। ये देखिए ये देखिए ये स्पंजी है और बड़ी सॉफ्ट है, ये देखिए फटाफट निकल जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। ये देखिए दीज आर वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट ना, मैं भी हैप्पी हूँ क्योंकि अभी गर्मी है ना तो अच्छे से ये खम जाता है, उठ जाता है जो इसका बैटर हम लोग बनाते हैं ना तो वन नाइट में मतलब हो जाता है। और अभी मैं बाकी की बची हुई बनाती, पहले बच्चों का ये देखिए टिफ़िन तैयार करती हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग भी बनाइए। अगर बनाते हैं तो मुझे भी बताइए कि मेरी अच्छी है या नहीं है कमेंट करके। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी है शाम का टाइम और नैनी का जो है गिफ्ट खोलने के लिए रेडी हो रही है और उसको है कि 2 दिन से उसके गिफ्ट रखे हैं और खोले नहीं है तो वो भी खोलने वाली है और बहुत ही एक्साइटेड है ना। कहाँ है नैनी का? इधर है, अभी करेगी कॉम करके अपनी गिफ्ट ओपनिंग। तो जी उसके गिफ्ट ये रखे हुए हैं,
तो जी नैनिका भी रेडी हो गई है और गिफ्ट अपने देख रही है और आप मतलब एक्साइटेड हो कि गिफ्ट आपको क्या मिला और नींद से भी जगी है नैनिका अभी और नींद सोने से पहले मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे गिफ्ट करना है ओपनिंग, क्योंकि इसे मुझे 3-4 बार बोल चुकी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि इसके गिफ्ट मैं देखूं, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो उसके लिए आप लोगों के लिए, और इसलिए मैं नहीं वो कर पा रही थी। तो अभी करेंगे, तो स्टार्ट करें। लगा आपको गिफ्ट ओपन बहुत अच्छे लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके सारे ही गिफ्ट अच्छे हैं, लेकिन आप ये बताओ मुझे कि सबसे प्यारा कौन सा लगा, सबसे प्यारा? कंपैरिजन नहीं कर सकती। ओह गुड जॉब बेबी। मुझे हर एक गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। ओ मम्मी ऐसे लगाने का है। ऐसे टंगाने का है। ओके आपके रूम में टंगा सकते हो ऐसे। ओके एक आपके रूम में और एक मेरे रूम में। अच्छा तो वो सेकंड दोनों सेम हो गए, तो एक आप मुझे देने वाले थे ना गिफ्ट, तो वो दोगे मुझे? ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया है और इसका बर्थडे गिफ्ट जो बचा है जो मेरे को देना है, तो थोड़ा लेट हो गया था तो मैं इसको भी दूंगी, तो वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। दो कर के वो है, इधर है एक और इधर है। ओके ओ ये वाइट वाला है और वो ग्रीन। हाँ
और वो ग्रीन नहीं वो रेनबो है, नहीं ग्रीन भी मुझे दिखाई दिया था मैंने। हाँ, वो रेनबो। ओके चेंज कर रहा लाइट, वाह ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू गाइस क्यूबर। यू भी थैंक यू कह रहा है, बहुत ही प्यारा है ना। सो आई गो हियर अ स्टेप। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। प्लस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू The Royal Sindh family। पर आप ये भूल ही जाते हो फ्रेंड्स कि आपको कमेंट भी करना है, क्यों भूल जाते हो पता नहीं, मेरे को सोचना पड़ेगा। डालो कमेंट भी अब तो, और जब भी हमारा ब्लॉग आता है तो बेल आइकन चालू रखो, आपको पता चल जाएगा कब हमारा ब्लॉग आए और आप उसे तुरंत देख सकते हो अगर आप फ्री हो तो। बाय। तो आप लोग कमेंट करना भूलना मत, द रॉयल सिंह फैमिली पे कमेंट कर देना इस ब्लॉग पे, ये मुझे भी पता करना है, मुझे भी पता करना है कि आपको कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें सपोर्ट करो, हमें कमेंट्स करो, हमें बताओ आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे सबसे। और प्लस सबसे ज़्यादा देखो उसे और सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, और फिर ही तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हमारे, फिर तो हम आपको और अच्छी अच्छी ब्लॉग्स दिखाएंगे। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।